और मैं सभी इन प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, संगठन के जिम्मेदार नेता बैठे थे, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम हम लोग लगातार बूथ स्तर पर करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाए थे निवेश के, डिफेंस एक्सपो में इतना निवेश आएगा, देश के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके इन्वेस्टमेंट मीट की, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर, सीबीआई का समन आया था, कहा जा रहा है कि आपने पेशकश की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा पेश होने की। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, जमीन पर कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहे। सब बाकी विधायक विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है भारतीय जनता पार्टी, इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सरकार ने ये दावा किया हो कि वो रिकॉर्ड बनाएंगे 60 लाख बच्चों का परीक्षा करा करके उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे, पुलिस भर्ती का बड़ा बड़ा दावा किया गया कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, सबसे ज्यादा सेफ होगा ये एग्जाम, बताओ क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है, उनकी नियत नहीं नौकरी देने की, नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी ना देनी पड़े। इससे पहले भी जो अग्निवीर व्यवस्था है वो इसलिए लाई गई है क्योंकि बीजेपी के लोग ये जानते हैं, फौज में जो भर्ती हो जाता है नौजवान, उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। जो फौज में भर्ती होता है वो गांव का नौजवान है, एक किसान का बेटा है, जब फौज में भर्ती होता है तो उसके न केवल परिवार का बल्कि परिवार जिस परिवार से जुड़ता है उस परिवार की भी आर्थिक स्थिति बेहतर करता है। इसको जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि गांव गरीब के लोग, पीडीए के लोग खुशहाल न हो जाए, इसलिए ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाने का काम किया। अलायंस के बाद आपको हमारे पत्रकार साथियों, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो
समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंदर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट दिलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को FIR लिखवानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने आपके कई चैनल हैं जो बिग गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। बताओ वो चैनल बिग गए कि नहीं बिग गए? 80 में 80 हारेंगे इस बार और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाएं, एक के सिवाय वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। सर सीबीआई के समन पर आपका जवाब? देखिए, जब जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाएं या आपको सूचना दे दें कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया दूसरा किया तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है, वहीं से पूछ लो कि मैंने जवाब क्या दिया है। भाई मैंने जवाब दे दिया ना, ये काम हमारा नहीं है कि मैंने जवाब क्या दिया उसको लीक करें। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता था लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य का भविष्य अंधकार में डाल दिया? और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है, 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता पुत्र, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि 1 लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते। विधायक को पैकेज दे सकते हो, विधायकों को पैकेज दे सकते हो। सर एनएलबी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी जो है लीक हो चुका है। अरे मैं तो कह रहा हूँ वो हर चीज लीक करते हैं, बीजेपी वो हर चीज लीक करते हैं। जो विधायक इधर से गए उधर सीबीआई के जरिए, वो भी हमारे पार्टी के लीक कर लिया उन्होंने, दो विधायक लीक कर लिए। वो चाहे देखिए, ऐसा है जो राम जी, प्रभु राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, हमने कभी भी किसी को नहीं रोका। और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए आर्काइव में होगा आपका वीडियो, जब प्रभु भगवान सालिग्राम पार्टी काले में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा कि नहीं करवाई थी? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए प्रेस करिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं
भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अरे किसी ने नहीं रोका प्रभु की पूजा करने के लिए, आप जाइए जब चाहो तो पूजा करिए, किसने रोका है? अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब किसी का बुलावा आ जाएगा तो रुकोगे कैसे ही बताओ, अपने आप को बचाओ कैसे अगर बुलावा आ गया तो। इसलिए ये बात कहना बीजेपी के सारे पर टीवी चैनलों को ये दिखाना कि हम रोक रहे थे, अरे भाई जिसका दाना उसका दाना, ये कोई नई चीज थोड़ी है, तो पुरानी बात है, जिसका दाना उसका दाना, जो दाना देगा वो आपसे कहलवाएगा कि क्या कहना है आपको। इंडिया गठबंधन में कमजोर हो रहा है क्या लोग, तो आप कौन सा कमजोर हो रहा है? इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और पीडीए परिवार मजबूत हो रहा है। सीबीआई के जरिए अखिलेश यादव की छवि खराब की जा रही है। नहीं, हमारी छवि इसलिए नहीं खराब होगी, हमारी छवि 20 साल से खराब कर रही होगी। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बसपा घोषित हो चुकी है कि बी टीम बीजेपी की है, ऐसा पहले आप लोग भी बता चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी दल के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सहयोग करेंगे बीजेपी का, इसलिए आम मतदाता को हमें जागरूक रखना है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे और कोई दल हो जो बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। आप हर चुनाव में देख लीजिए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, इसीलिए हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे हमें जनता समझाना है कि कई दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो हमें संविधान मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे सुंदर संविधान हमें मिला है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश जी, जिस पैकेज की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की राजभर की पार्टी में, उसको लेकर काफी जो अंदरूनी झगड़ा है, तो वो तो झगड़ा हो गई। जब आप समाजवादी सोच के नहीं होंगे तो झगड़ा होगा। समाजवादी मतलब बराबर पार्टी है। सर पैकेज सही नहीं मिला क्या उनको? पैकेज सही नहीं मिला क्या? नहीं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर पैकेज मिला, मैंने आपसे कहा, याद कीजिए मैंने क्या कहा था, हमारे पत्रकार साथी और मित्रों, अपनी अंतरात्मा से हमें बता देना चुपचाप कि कौन सा पैकेज उन्हें मिला है।